हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम ड्राइव सो आज इस वीडियो में बात करने वाले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए का जो भी एटीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव का आपका फॉर्म निकला हुआ है उसके फॉम फिलअप के बारे में सो so, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं देखा तो शॉर्ट में बता देता हूँ कौन कौन से लोग एलिजिबल रहते हैं तो यहाँ पर बी आपने किसी भी ब्रांच में किया आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया फोर हंड्रेड वैकेंसीज़ है तो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कर लीजिएगा साथ ही साथ यहाँ पे बी वाले भी एलिजिबल रहते हैं जिनका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में बी रहता है तो ये चीज़ चेक कर लीजिएगा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता है अब यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई का लिंक एक्टिवेट हो चुका है कल से ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट में टॉप पर ही रजिस्ट्रेशन का लिंक तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप एक न्यू टाइप पर रीडायरेक्ट हो जाइएगा मैं आपको दिखा देता हूँ ये यहाँ पर एक शॉर्ट आपका सिलेबस भी दिया गया है तो इसको भी चेक कर लीजिएगा जो लोग भी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका सारा सिलेबस ऑफिशियल दे दिया गया है क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर भी सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा चैनल पर अपलोडेड है दो हज़ार पंद्रह और इक्कीस का भी अपलोड करना बाकी है पंद्रह सोलह अपलोडेड है सो फॉर्म फिलअप के बारे में बात कर ले तो सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन लिंक पे और देख सकते हैं आप एक न्यू टैब पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सो so, जैसे ही आप यहाँ पे टैब पे ओपन कीजिएगा सबसे पहले अगर आप गूल क्रोम से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे चेक कर लीजिएगा मेन्यू पर जाइएगा और यहाँ पे ब्लू कलर का टिक होना चाहिए डेस्कटॉप साइट पे इस पर क्ल क्लिक कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा तो अगर नहीं है तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा तो कंप्यूटर मोड में आपका ओपन होगा और आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मोबाइल फ़ोन से ही भर पाएंगे उसके बाद देख सकते हैं स्क्रॉल करके इसको नीचे आइएगा और नीचे आने के बाद यहाँ पर अगर आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं वैसे मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे बता भी दूंगा सिंपल साई एग्री पे क्लिक करना है देन यहाँ पे आपको क्लिक करना है साइनअप स्टार्ट पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसके बाद नीचे वाला पे आपको दोबारा से पीछे आके क्लिक करके लॉग इन करके फॉर्म भरना रहेगा तो पहले साइन अप स्टार्ट पे क्लिक कीजिए यहाँ पे इस तरह से आगे उसको क्लोज कीजिएगा देन स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें तो वो पोस्ट आपको सेलेक्ट करना है तो जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए आप अपना अप्लाई कर रहे हैं देन कैंडिडेट्स नेम जो आपका नेम है उसको आपको टाइप करना है यहाँ पे फुल नेम टाइप करना है जो आपके आधार कार्ड और मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर रहेगा वो देन उसका मोबाइल नंबर टाइप करना है देन वही मोबाइल नंबर फिर से टाइप करना है देन ईमेल आईडी देन वही ईमेल आईडी फिर से टाइप करना है और यहाँ कैप्चा कोड डालना है और सबमिट पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है देन इस सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको या तो दो ऑप्शन से आप लॉगिन कर सकते हैं या तो आप पीछे जाइए वहाँ पर दोबारा से एक्सेप्ट करके लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा यूज़र आईडी पासवर्ड चेक कर लीजिए और वापस से लॉगिन कीजिए या तो उसके सामने ही गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का आपका ऑप्शन था उस पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट इस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पर आ जाइएगा यहाँ पर आपका डिटेल्स दिखाएगा एलिजिबिलिटी डिटेल्स है देन पर्सनल डिटेल्स देन क्वालिफिकेशन डिटेल्स देन डिक्लेरेशन और एक एक करके आपको आगे जाके फॉर्म पूरा फिलअप कर लेना है सो so, यहाँ पे देख सकते हैं ये सर आपका डिटेल्स रजिस्ट्रेशन वाला सारा पहले से ही फ़िलअप है उसके बाद यहाँ पे आपको सिटी चॉइस देना है आपका एग्ज़ाम प्रेफरेंस सेंटर देना है आप किस शहर में एग्ज़ाम देना चाहते हैं सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो नज़दीकी होगा आप चेक कर लीजिएगा लगभग ऑल ओवर इंडिया आपको बहुत सारे शहर का इसमें नेम दिया गया है तो जो आपका नज़दीकी होगा आप वहाँ पर टाइप कर दीजिएगा आपका आ जाएगा तो आप अपने एरिया के हिसाब से जो भी आपका नजदीक होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इतने सारे टेस्ट सेंटर हैं सो so, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है आपका कैटेगरी सेलेक्ट करना है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कैटेगरी के हिसाब से आपका फ़ी लगने वाला है तो चेक कर लीजिएगा जिस भी कैटेगरी से मैं यहाँ पे फी पेमेंट नहीं करने वाला हूँ मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए फॉर्म फ़िलअप कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ देन उसका जेंडर तो मेल फीमेल जो भी आपका देन उसके बाद डेट ऑफ़ बर्थ तो डेट ऑफ बर्थ अपना जो आधार कार्ड है मैट्रिक का सर्टिफिकेट उस हिसाब से ही फ़िलअप कीजिएगा क्योंकि ये सारा चीज़ आपका चेक होता है सो so, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा देगा आपका एज कितना हो रहा है आज के डेट पे जो भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो रहा है वहाँ पर आपका लास्ट डेट के हिसाब से तो यहाँ पे आपका आर यू नो देन आर यू एक्स सर्विस मैन नो आर यू एन ए इंटरनल नो हैव यू कम्प्लीटेड वन ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग तो इन ए ए आई तो अगर आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्रेंटिसिप किया है तो यस yes कीजिएगा अदरवाइज़ नो no कीजिएगा यहाँ पर सो जूस का रहेगा वो यस कीजिएगा यस करने के बाद आपको डिटेल्स आएगा ये अप्रेंटिस नंबर भरिएगा और जिन्होंने नहीं किया वो नो no भरिएगा आपको सिंपल से कोई ऑप्शन नहीं आएगा आप भर सकते हैं अब यहाँ पर अप्रेंटिस नंबर भरने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो जिन्होंने अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो जिनका किया हुआ है वो यहाँ पर नो भी कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं इसके लिए कोई आपको एडवांटेज नहीं मिलने वाला है यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया है ऐसा नहीं है कि अगर आपने अप्रेंटिस किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा नोटिफिकेशन में कहीं पर भी मैंसन नहीं है इसीलिए अगर आप नो no भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय नो सेवन नेक्स्ट डेटा सेव सक्सेसफुली अब इस वाले कॉलम में आपको यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं फादर्स नेम देन मदर्स नेम तो फ़िलअप कर लीजिए एक एक करके देन यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस देन नेशनैलिटी अनमेरिड नेशनैलिटी इंडियन देन उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है अगर सेम है आपका तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा तो परमानेंट भी सेम हो जाएगा तो इस तरह से आपको फिल कर लेना स्टार्ट कीजिएगा आपका सिटी से स्टेट से तो स्टेट आपका यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा सो so, यहाँ पे देख सकते हैं आपको पिन कोड डालना है स्टेट डालना है सिटी डालना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लाइन देना है एड्रेस लाइन वन में आपका स्ट्रिक है तो उसको आपको फिल करना ही होगा एड्रेस लाइन टू अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर बड़ा एड्रेस नहीं है तो आप एड्रेस लाइन वन में भी फ़िल अप कर सकते हैं सारा तो देख सकते हैं ये सारा डिटेल्स फिल हो गया उसके बाद सेम है अगर एड्रेस आपका परमानेंट और प्रेजेंट तो यहाँ पर सिंपल से यस yes कर देना है तो आपका ऑटोमेटिक ये पूरा फिल हो जाएगा अगर अलग है तो आप नो कीजिएगा और यहाँ पर अपना अलग से जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो फिल कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करना है डेटा सेव सक्सेसफुली करके आएगा और आप यहाँ पर सेव हो जाएगा अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको एजुकेशनल डिटेल्स फ़िलअप करना रहेगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स अब यहाँ पर आइए अपना मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स फ़िल कीजिए देन यहाँ ट्वेल्थ अगर आपने किया तो ट्वेल्थ का डिटेल्स फ़िल कीजिए देन उसके बाद यहाँ पर आपको जो जो डिटेल्स मांग रहा है एस क्वालिफिकेशन ये सारे डिटेल्स आपको फिलअप करना रहेगा तो एक एक करके फिलअप कर लेते हैं सबसे पहले आपको टेंथ का डिटेल्स फिलअप करना है तो आप यहाँ पर देख लीजिए किस ईयर में पास आउट हुआ है सबसे पहले वो ईयर सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से तो मान के चलिए आप 2016 में पास आउट हुए या 15 में 15 में अगर आप पास आउट हुए टेंथ उसके बाद यहाँ पर आपका जो बोर्ड रहेगा उस बोर्ड का फुल नेम यहाँ पर टाइप कर देना है शॉर्ट फॉर्म तब यूज़ कीजिएगा जब अगर स्पेस नहीं हो आपका नाम अगर बहुत बड़ा हो तब अगर आपका नाम का स्पेस होगा तो यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत कीजिएगा देन उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको मैट्रिक में ऑल सब्जेक्ट्स लिखना है देन उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम किस इंस्टीट्यूट से आप पास आउट हुए हैं वो आप स्कूल का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं देन उसके बाद सेलेक्ट परसेंटेज तो परसेंटेज देन उसके बाद कितना आपका परसेंटेज आया तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑप्शन एक जी का भी है बट आपका यहाँ पे जो सो so, यहाँ पर आपको अपना परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है और यहाँ पर परसेंटेज में आपको फिलअप कर देना है जो भी आपका परसेंटेज रहेगा एक्चुअल परसेंटेज फ़िलप कीजिएगा पॉइंट में अगर वैल्यू है तो पॉइंट में फिलअप कीजिएगा उसको राउंड फिगर मत कीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका चेक होता है देन ट्वेल्थ का डिटेल सेम एज इट इज आपको फिलअप करना है जो भी जिस सी एन पास आउट हुए वो आप यहाँ पे फिलअप कीजिएगा देन उसका दे इंस्टीट्यूट का नेम देन बोर्ड देन सब्जेक्ट देन आपका जो भी है यहाँ परसेंटेज देन कितना परसेंटेज आया तो वो सो so, देख सकते हैं यहाँ पर ट्वेल्थ का डिटेल्स भी कर लीजिएगा फिल करने के बाद आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके नीचे आके देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो ऑप्शन पूछा जा रहा है डू यू हैव प्रोफिसंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटर्न इंग्लिश ऑफ द लेवल ऑफ टेन प्लस टू स्टैंडर्ड यस डू यू हैव पासड इंग्लिश एज वन ऑफ सब्जेक्ट इन टेंथ और ट्वेल्थ यस सो so, यहाँ पे देख सकते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के कॉलम में जहाँ पर आपको ग्रेजुएशन के डिटेल्स यानी कि या तो बीएससी फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स या तो आपको बीटेक का डिटेल्स फ़िलअप करना है तो जो भी आपके केस में यहाँ पे रहेगा वो आप फ़िलअप कर लीजिएगा मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए फ़िलअप कर लिया बी का डिटेल्स आपका जो कंसिडर रहेगा वो यहाँ पर फ़िलप कर लीजिएगा एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपेयरिंग वाले भी एलिजिबल रहेंगे तो ये मैं आपको पहली बता दे रहा हूँ यहाँ पे फाइनल ईयर एलिजिबल है अपेयरिंग बट ये चीज़ है जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपके पास यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए तो अपेयरिंग आराम से अप्लाई कीजिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है दे नीचे परसेंटेज वगैरह है और यहाँ पर आपको टिक करना आई हैव स्टडीड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट्स इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका हर एक आपका बी के ब्रांच में होता ही होता है तो यहाँ पे आराम से टिक कीजिए और जो बी उनके पास तो हो गई होगा तो यहाँ पे टिक कीजिएगा जिनका यहाँ पर आपका बी अलग स्ट्रीम में भी है अगर फ़िजिक्स एंड मैथमेटिक्स उन्होंने पढ़ा है किसी ना किसी सेमेस्टर में वो फिलअप कर सकते हैं तो इसीलिए मैंने बोला था बी भी यहाँ पर जिनका पी है कहीं ना कहीं से वो यहाँ पर फिलअप कर सकते चाहे उनका मेजर सब्जेक्ट हो या ना हो तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा है तो तो ये चीज़ यहाँ पर मेन्सन है इससे आपको क्लियर हो गया होगा अब यहाँ पे नीचे आइए नीचे आने के बाद वर्क एक्सपीरियंस को यहाँ पे ब्लैंक छोड़िए उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए डेटा सेव सक्सेसफुली ओके पे क्लिक कीजिए अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है देन इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ यहाँ पर आपको फोटोग्राफ और नीचे सिग्नेचर फिलअप करना है सो so, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अगर फ़ी पेमेंट का ऑप्शन रहेगा तो आपको फ़ी पेमेंट दिखाएगा अगर आप फी में एग्जामशन होंगे तो नहीं दिखाएगा और अगर जो यहाँ पे 81 वन फी तीन प्रकार का यहाँ पे फी लगने वाला पहला 1000 थाउजेंड देन एटी वन रुपीज़ दैन यहाँ पर ज़ीरो रुपीज़ तो जो यहाँ पर चेक कर लीजिएगा आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको बोला गया है ये फ़ोटोग्राफ़ अपलोड करना है देन आपको सिग्नेचर अपलोड करना है सौ के से नीचे जो कि जे और जे ये दो फॉर्मेट में होना चाहिए तो अगर आपका फ़ोटो तीन एम बी चार एम बी पाँच छः एम बी का है एक एम बी आपका है या छः सात सौ के बी का है तो उसको कैसे आप हंड्रेड के बी में ला सकते हैं कन्वर्ट करके मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही तो वो जान लेते हैं आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही अपलोड कर सकते हैं सो मान के चलिए कि आपका ये फोटोग्राफ है जो कि सात आठ एम बी का है या फिर तीन चार या एक दो यानी कि आपका हंड्रेड के बी से अधिक का है जितना भी हो तो इसको आपको कन्वर्ट करना है हंड्रेड के बी से कम में विदाउट इसका क्वालिटी लॉस हुए और इसको आपको अपलोड करना है मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही तो आप कैसे कर सकते हैं सिंपल से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है क्यू रिड्यूस लाइट गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा या फिर आप चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ से आपका मन हो कर सकते हैं सिंपल सा वो आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा इंस्टॉल हो जाएगा तो देख सकते हैं थर्ड नंबर पर जो दिख रहा है ब्लू कलर का ये आपका क्यू रिड्यूस लाइट का ऑप्शन है हो सकता है आप शेयर पर जाइएगा तो आपके केस में यहाँ पर लास्ट में दिखेगा क्योंकि अभी रिसेंटली आपका डाउनलोड हुआ रहेगा आपने यूज़ नहीं किया चेक कर लीजिएगा यहाँ पर स्क्रोल करके उसके बाद सिंपल से आपको फोटो पे आना है फोटो को जाके यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे एप्लीकेशन पे शेयर कर देना इस एप्लीकेशन पे शेयर करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आएगा और यहाँ पर आपको जितने के बी में चाहिए फोटो आपका मान लीजिए तीन चार एम का जो भी है आपको चाहिए हंड्रेड के बी से अंदर का सिंपल सा टाइप कीजिएगा एटी फाइव के भी एटी फाइव के भी टाइप करके यहाँ पे कंप्रेस पे क्लिक कीजिएगा आपका चार से दस सेकेंड आठ सेकेंड बीस सेकेंड अधिक से अधिक लगेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर कन्वर्ट होकर रेड कलर में दिखेगा कंप्रेस्ड हो चुका है विदाउट आपका क्वालिटी लॉस हुआ आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा और ये फोटो आपको मिलेगा कहाँ तो ये फोटो आपको मिलेगा आपके फ़ोन के इंटरनल मेमोरी कार्ड में एक न्यू फोल्डर बन गया रहेगा जिसका नाम रहेगा क्यू रिड्यूस लाइट नाम का जो कि आपको पिक्चर्स नाम के फोल्डर में मिल सकता है या फिर इंटरनल मेमोरी में बाहर ही मिल जाए क्यू रिड्यूस लाइट चेक कर लीजिएगा दूसरा ऑप्शन है सेलेक्ट करने का सिंपल से वहाँ सेलेक्ट पर जाइएगा गैलरी में जाइए गैलरी में रिसेंट जो भी आप, आपका आया रहता है वो टॉप पर ही शो कर जाता है तो वहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं सेम केस आपको करना है सिग्नेचर है केस में भी, बट सिग्नेचर में ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सिग्नेचर बहुत जगह ब्लैक इंक पेन से बोला जाता है तो कोशिश कीजिएगा वाइट पेपर ब्लैक पेन से यहाँ पर साइन कीजिएगा उसको फोटो लीजिएगा और उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा सेम प्रोसेस रहने वाला है सो so कन्वर्ट हो जाने के बाद वापस आना है आपको फॉर्म पे अगर फॉर्म आपका लॉग आउट हो गया रहेगा तो वापस से लॉग इन कर लेना है नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिएगा ऑटोमेटिक तो सारा चीज़ सेव रहेगा फिर आप ये इस पेज पे आ जाइएगा और आप यहाँ से फिलअप कर सकते रहेंगे क्लिक है टो अपलोड पर जाना है देन ड्रैग एंड ड्रॉप पर यह ब्राउज ईयर पर क्लिक करना है देन फाइल्स पर जाना है फाइल्स पर जाने के बाद आपको जहाँ पर भी आपका फ़ोटो रहेगा जैसे मैंने बताया मेरे केस में ये फोन नाम के फोल्डर पर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ नीचे नीचे जाके देख सकते हैं ये मेरा थर्टी नाइन के बी का है तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लोज ये अपलोड हो चुका है देन सिग्नेचर तो सिग्नेचर पे भी ब्राउज पे क्लिक करना है सेम वापस से फाइल्स में जाना है जहाँ पर भी आपका सेव रहेगा वहाँ से फ़ोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से सेव कर लेना है सब कर लेने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पे कैप्चा कोड है इसको क्लिक करना है और यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देना है सो so, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कीजिए देन यहाँ पे फाइनल सबमिशन आपको क्लिक कर देना है देख सकते हैं इस प्रकार से आपको आएगा ये सब आप पढ़ लीजिएगा बाद यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा फाइनल सबमिशन आपका हो जाएगा और यहाँ पर योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली लिख कर आएगा और यहाँ पर भी आपका लिखेगा योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सक्सेसफुली सबमिटेड सिंपल सा इसको आपको स्क्रीन शॉट लेकर रख लेना आप चाहे तो नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे पूरा फॉर्म आपको सो कर देगा अब आप यहाँ पर ही लॉग आउट कर सकते हैं आपका फॉर्म यहाँ पर फिलअप हो चुका है ऊपर में आपको ऑप्शन दिख जाएगा लॉग आउट करने का प्रिंट करने का तो आप चाहे तो प्रिंट भी कर लीजिएगा यहाँ पर इस तरह का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद